ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, हथेलियों को गोद में अथवा घुटनों पर रखिए जहां सुविधा हो। नेत्रों को बंद कर लीजिए एवं बंद ही रखिए। गहरा श्वास प्रश्वास प्रारंभ कीजिए। अपने मन की आंख से श्वास प्रश्वास के आगमन निर्गमन को देखिए। आप फेफड़ों को फुलाते हैं, श्वास अंदर आता है, फेफड़ों को सुकोड़ते हैं, श्वास बाहर जाता है। अब आप मन की आंख से संपूर्ण शरीर को देखिए, मानो आप बाहर से अपने शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर आप नहीं है, आपका वाहन है। शरीर के हृदय क्षेत्र में आत्मा का निवास है, आप वो आत्मा को निहारिए, ये वास्तविक मैं। तो शास्त्र चक्षु से, ज्ञान चक्षु से अपने को आत्मस्वरूप देखिए। वो आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण को अपने समक्ष निहारिए, उनका नीले रंग का शरीर और श्री कृष्ण की अंश हम आत्मा है। श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण षड ऐश्वर्य युक्त हैं, किंतु एक लीला में उस ऐश्वर्य का विस्मरण करते हैं, ये ब्रज लीला है। तो आप अपने गुरु की कृपा से उनका आशीर्वाद लेते हुए ब्रज चलिए। ब्रज में अब आप पाइए श्री कृष्ण का मधुर स्वरूप। गोपियों के साथ श्री कृष्ण रमण करते हैं, सखाओं के साथ गायों को चराते हैं, अपने भगवत्ता को भुलाए हुए हैं। आप देखिए श्री कृष्ण एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर मुरली नाद कर रहे हैं। और मन से संकल्प कीजिए, वे मेरी गति मति रति हैं। मेरी गति यानी जीवन का लक्ष्य, मेरी रति मेरी आसक्ति श्याम सुंदर के श्री चरण, और मेरी मति मेरी बुद्धि के प्रकाशक जिनके प्रति मैंने बुद्धि को समर्पित किया है, वे श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो है लेकिन मधुर स्वरूप में प्रकट है। श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना कीजिए, हे श्याम सुंदर अपने ब्रज में हमें घास का तृण बना लो। हम तो महाराज के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप एक घास का तृण बना लो तो अधिकारी गोपियों की पदरज हमको मिले, शायद कभी हमें भी ये रस पान करने को मिल जाए।
श्याम सुंदर आप पर कृपा कर रहे हैं, आपके सिर पर अपना हस्त कमल रख के आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके गुरु भी आपके साथ खड़े हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा शिष्य भगवान से मिल रहा है। अब आप वहां पर श्री कृष्ण की ब्रज लीला चल रही है, आप प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए कि कब हम ब्रज की रेणु बनेंगे, लता पता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, रसा स्वादन के लिए। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, ए जीव, गुरु के अनुगत होकर भक्ति करो। हमारे गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि ए जीव, तुम दो चीजों का अभ्यास करो। एक माधुर्य भाव, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, परम प्रियतम, और दूसरा अपने सुख का परित्याग, श्री कृष्ण के सुख का अभ्यास करो। इसका अभ्यास जितना करते जाओगे, तुम भक्ति में ऊपर उठते जाओगे। आप गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कीजिए, मन ही मन राधा रानी का स्मरण कीजिए। और वापस अपने स्थान पर आ जाइए, शरीर के प्रति सजग हो जाइए, हथेलियों को मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए, हथेलियों से आंखों को हल्के से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।